Hi everyone, good evening. कैसे हैं सब बच्चा लोग? सो फाइनली आज हम मेन सी वाटर रिलेटेड एनिमल्स की बात करने वाले हैं. उसके बाद लास्ट बचेगा हमारा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, लास्ट वन. उसके बाद सारा फिनिश और हमारा एनिमल किंगडम एकदम से फिनिश हो जाएगा. फिर हम चलेंगे किसी नए चैप्टर की तरफ. ठीक है, आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हुआ है हमारे लिए, थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लगा है इसको कवर करने में. ऑब्वियसली बड़ा चैप्टर, ठीक है, बट नो इश्यूज. अब तो फिनिश होने वाला है, फिर इससे रिलेटेड सारे MCQ पोल सारी चीजें करेंगे, राइट? चलो तो लाइव चैट. हाय आदित्य, हेलो. हाय आदित्य, जल्दी से आ जाओ सब लोग. ठीक है, यस, एवरी वन इज बिजी इन डूइंग व्हाट दैट आई डोंट नो. एक बार शेयर कर देते हैं क्योंकि बच्चों को कई बार नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है. तो जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट्स इन्फॉर्म एवरीवन. डन, चलो, डन फ्रॉम माय साइड. चलो, सो फाइलम, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइलम एकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम मॉलस्क. हियर वी बिगिन. चलो, इन्फॉर्म कर दिया सबको. ओके, सो फर्स्ट फाइलम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन से दो हैं जिनके बीच में कंफ्यूजन होती है? एक है एकाइनोडर्मेटा एंड है एक है मॉलस्क. ठीक है, इन दोनों को जल्दी से डिस्कस करते हैं और उनके बारे में स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट आर एकाइनोडर्मेटा? Echinoderms और phylum Echinodermata are named because of spiny skins. कैसी होती है? कांटे जैसे. ठीक है, ऐसे लगता है कांटे निकले हुए हैं उनकी बॉडी में, उन्हें Echinodermata कहते हैं. ठीक है, Echinos means spiny, spines. ठीक है, and dermos obviously means skin. तो spicy या spiny. ठीक है, spines निकले हुए हैं ऐसे skin को हम कांटे वाली, जैसे पॉर्क्यूपाइन जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है. और ये सारे लोग जिनकी बॉडी के ऊपर एक टफ लेयर होती है, जैसे बहुत सारे रेप्टाइल्स की बॉडी में भी दिखते हैं. ठीक है, लेकिन हम यहाँ रेप्टाइल्स की बात नहीं कर रहे, लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल की बात कर रहे हैं. तो ये सारे किस में आते हैं? एकाइनोडर्मेटा. इसमें भी कितने, इस फाइलम में कितने मेंबर्स हैं? इस फाइलम में 7000 डिस्क्राइब्ड लिविंग स्पीशीज हैं. डिस्क्राइब्ड है, ये तो हमने सोचा है कि इतना हो सकता है, इसके इससे ज्यादा भी हो सकता है. यू नेवर नो. ठीक है, हो सकता है किसी का भी रिसर्च हुआ ही नहीं हो. यू नेवर नो. इकाइनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन. ज्यादा बेसिकली सारे के सारे कहाँ दिखते हैं? सारे के सारे तुम्हें वाटर में ही दिखेंगे, और स्पेशली सी वाटर में दिखेंगे. सी स्टार, सी क्यूकम्बर, सी अर्चिन, सैंड डॉलर्स, ब्रिटल स्टार्स आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा. इसके बारे में ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, इसके बारे में लोग ज्यादा अवेयर भी नहीं है. क्यों इसके बारे में कम चीजें होती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उतना इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना हार्म नहीं कॉज करता.
ठीक है, बट यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है चलो, तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर हैं इकाइनोडर्मेटा के. ठीक है, ये क्या हुआ, ये कुछ नया आने लगा. ठीक है चलो, सो फर्स्ट इज सी स्टार. ओके, दिख ही रहा है सी स्टार जैसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सी स्टार. देन ब्रिटल स्टार. ब्रिटल स्टार क्यों बोलते हैं, स्टार जैसा है, उसकी बॉडी पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. सी आर्चिन, सैंड डॉलर, सी क्यूकम्बर एंड क्रिनॉइड. ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स है. देखने से कई बार ये ऐसे लगते हैं जैसे लिविंग चीज नहीं है, कोई रॉक है, बट यस दे आर लिविंग. जल्दी से इनकी इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ठीक है, सॉरी लाइव चैट इज ऑफ. हाय पीयूष, हाय अधिराज. ओके, इट्स एकाइनोडर्मेटा. ओके, हाय रामेश्वरम, रामेश्वर राइट, हाय रामेश्वर. चलो नाउ दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मतलब इनकी बॉडी में सिर्फ सेलुलर लेवल नहीं है, इनकी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ये सारे ऑर्गन से ही बने हुए हैं. ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं. बॉडी में कैसी सिमेट्री प्रेजेंट है, बॉडी में बायलेटरल सिमेट्री है. बायलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है, कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ्स में काटे तो लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट में कट सकते हैं. Only echinodermata such as sea star, sea urchin, sea lilies are pentamerous. Pentamerous, ये star की तरह है ना, pentamerous shape है इसकी. ठीक है, with five arms arranged around their mouth. तो यहाँ पे ये मुंह है, सेंटर में ऐसे आई है, ठीक है माउथ है, तुमने कार्टून में बहुत देखा होगा. ठीक है, माउथ और उसके साथ में उसके चार हाथ. They have a calcareous. Calcareous मतलब कैल्शियम का बना हुआ, ठीक है, कैल्शियम का एंडोस्केलेटन. तो तुमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो पढ़ी है स्टार्टिंग में तुम्हें पढ़ा था एक्सो, ठीक है, एक एंडो. एक्सो मीन्स बाहर, ठीक है, तो इनमें बाहर भी होता है और अंदर भी. तो एक्सो में बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, कैल्शियम की स्ट्रॉन्ग लेयरिंग प्रेजेंट होती है, और एंडो जैसा हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है नेचर, मतलब इनका जो एम्ब्रियो स्टेज था वो तीन लेयर से डेवलप हुआ है. कौन सी है ये तीन लेयर, अंदर वाली एंडोडर्म. ठीक है, आई होप हम इस फाइलम पे आ गए हैं, अब तक ये सबको लर्न हो गया. ठीक है, जब हम डेवलपमेंट अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और तुम रिप्रोडक्शन में देखोगे कि सारे ऑर्गेनिज्म, हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब अलग अलग लेयर से डेवलप हुए हैं, और हर एक अलग लेयर से एक अलग ऑर्गन डेवलप हुआ है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, ओके, हाय मोहम्मद अहतेशाम, रोल नंबर 5 क्लास 6, थैंक्स फॉर दिस इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो एंडोडर्म, मेसोडर्म और सबसे अंदर, सबसे बाहर एक्टोडर्म. ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, एक्टो बाहर, मेसो मिडल, एंडो इंटरनल. ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो. अब बॉडी शेप की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी शेप कैसी है, द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर. ठीक है, बॉडी के बाहर एक सिंगल एपिडर्मिस प्रेजेंट है, एंड अ थिक डर्मिस विद एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस, और एक पतली सी लेयर प्रेजेंट है. ठीक है, ये एक लेयर है और उसके अंदर पतली सी एक लेयर है जो एंडोस्केलेटन का काम करती है, जो बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, जो बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्केरियस किसकी बनी हुई होती है, ये क्वेश्चन कई बार आया होता है कि इनमें कौन सा स्केलेटन प्रेजेंट है, एक्सो या एंडो, तो मेनली एंडो. एंडो में किसका बना हुआ है, तो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है. दे हैव 5 पार्ट बॉडी प्लान विच इज नोन एज पेंटारेडियल, क्योंकि इनमें कैसा है, इनकी बॉडी ऐसे है, स्टार की जैसी है इनकी बॉडी. ठीक है, तो पेंटारेडियल है. ठीक है, जैसे हम रेडियल कहते हैं ना, कहीं से भी कट सकती है. इनकी बॉडी 5 तरफ से काटोगे तब जाके इक्वली
आएंगी। तो ये पेंटारेडियल सिमेट्री है। ये क्वेश्चन भी बहुत स्टार में आता है कि सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म जो कि पेंटारेडियल सिमेट्री शो करता है वो कौन है, तो इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश, ये सारे लोग। ठीक है, तो याद रखना, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। बॉडी सेंट्रल एक्सिस से कट करें तो तीन पार्ट्स में कट हो सकती है। चलो ये ज्यादा आगे चला गया शायद। हाँ यस, अब आ जाओ सीलोम। नेक्स्ट है सीलोम। सीलोम याद है, दोबारा बताओ। तो एक होती है आउटर सराउंडिंग स्किन किसी ऑर्गेनिज्म की, और एक सीलोम होता है, एक जो लेयर होती है वो होती है एलिमेंट्री कैनाल। तो ये आउटर कवरिंग स्किन, ठीक है, लिख देती हूँ आउटर कवरिंग। ठीक है, मिडल का क्या हो गया, मिडल हो गई हमारी एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और आउटर कवरिंग के बीच में ये जो स्पेस है इसे क्या कहते हैं, इसे ही सीलोम कहते हैं। ठीक है, इसे ही सीलोम कहते हैं, इट्स अ कैविटी। तो हमने कुछ में पढ़ा था स्टार्टिंग में, कुछ ए सीलोमेट थे जिनमें सीलोम था ही नहीं, यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट थे। कुछ में क्या था कि सीडो सीलोम थे, लगता था कि ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं मगर नहीं। और परफेक्ट सीलोम कब होगा, जब बॉडी आउटर बॉडी और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में जो कैविटी है वो कैविटी है, कैविटी का मतलब खाली है, स्पेस है उसमें, और उस स्पेस में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में मेन तो एक एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके सारे पार्ट्स है, सब कुछ है, और बाहर की स्किन है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बहुत सारे और भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, हार्ट है, लंग है, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, तो ये सीलोम में प्रेजेंट है, तो हम क्या है, हम सीलोमेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, इनको जल्दी से देख लेते हैं। दीज एनिमल्स पोजेस अ ट्रू सीलोम, ठीक है, यानी कि इनमें सीलोम प्रेजेंट है, दैट इज मॉडिफाइड इनटू अ यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें एक यूनिक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसे कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर में रहते हैं तो उनका जो फ्लो है, इनकी बॉडी में जिससे जो फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दीज एनिमल इज दैट देयर पावर ऑफ रीजनरेशन, ये बहुत अच्छे से रीजनरेट करते हैं। अगर कोई पार्ट टूट गया है तो 75% वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, 70% जो पार्ट्स हैं वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट फ्यू पार्ट्स, उनका न्यूरल सिस्टम, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओनली फ्यू कुछ पार्ट्स को छोड़ के 75% बॉडी के पार्ट्स रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, हेलो आयुष, आई एम गुड। चलो नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन कैसा है इनमें, सिंपल एंड कंप्लीट। सिंपल एंड कंप्लीट का मतलब माउथ भी प्रेजेंट है, ठीक है, एट वन प्लेस। और माउथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इनमें, माउथ इज ऑन द अंडर साइड। ठीक है, माउथ अंदर की तरफ होगा और एनस टॉप पे होगा, अभी दिखा दी, उसका डायग्राम दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो माउथ अंदर की तरफ है और एनस ऊपर की तरफ है, जबकि ये उल्टा होना चाहिए था। ठीक है, सी स्टार कैन पुश देयर स्टमक आउटसाइड देयर बॉडी। अब क्या करते हैं, ये सी स्टार अपने स्टमक को मून बाहर ले जाते हैं, पूरा स्टमक ही बाहर ले जाते हैं, और उनका जो खाना होता है, ठीक है, ऐसे सपोज कर लो कि सी स्टार है, ठीक है, और ये इसका स्टमक है, तो ये अपना मुंह से खाना नहीं खाएगा, अपना जो सो कॉल्ड टमी है उसको ही प्रे के पास ले जाएगा, पेट को बाहर निकाल के और खाना कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और बाहर ही डाइजेस्ट कर लेगा। तो इनमें डाइजेशन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नली, ठीक है, वहीं पे सारी केमिकल्स डाल के, डाइजेस्टिव एंजाइम डाल के उनको डाइजेस्ट करेगा और खा जाएगा। दिस एबिलिटी अलाउस ही स्टार्ट टू हंट प्रे, इससे क्या करता है, वो हंट करता है चीजें। ठीक है, चलो शिकार करता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, और किससे रिमूव होता है वेस्ट, देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गिल्स से, हमें पता है कि गिल्स किसके काम आती है, गिल्स रेस्पिरेशन के काम आती है ना, फिशेस में रेस्पिरेशन ही तो होता है इससे, लेकिन यहाँ पे गिल किसके काम आ रही है, एक्सक्रीशन के। तो ये स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स विच एनिमल इज यूजिंग इट्स गिल्स फॉर एक्सक्रीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, वेरी गुड रामेश्वर। ठीक है, लोकोमोशन की बात करें, गोनाड्स आर प्रेजेंट इन ईच आर्म। ठीक है, आर यू लिसनिंग।
तो इंटरेस्टिंग कितने हैं ये, हर अगर पांच आर्म है तो पांचों आर्म पे गोनाड प्रेजेंट है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग में गोनाड्स क्या है, टेस्टिकल्स एंड ओवरीज, ठीक है, तो किसी एक पोर्शन में प्रेजेंट है, इनके पांचों आर्म में प्रेजेंट है। इन एकाइनोडर्म्स लाइक सी स्टार एवरी आर्म बेयर टू रोज ऑफ ट्यूब फीट ऑन ओरल साइड, दीज ट्यूब फीट हैव अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। तुमने देखा होगा स्टार फिश की अगर, तो ऐसे करके कुछ एक वो आता है वैक्यूम वाला टॉय आता है, टेडी बियर टाइप आता है, उस वैक्यूम वाले टॉय को कहीं भी फ्रिज पे या किसी भी चीज पर पच करके चिपका देते हैं, क्योंकि उसमें वैक्यूम आ जाता है उसके अंदर। सेम इनके हाथ पे ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या करते हैं वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उससे चिपक जाते हैं। लिजर्ड भी कैसे चिपकती है तुम्हारी वॉल से, किसी को आइडिया है लिजर्ड कैसे दीवार पे चिपकती है, एनी आइडिया कैसे चिपकती है दीवार पे लिजर्ड, देखा है कभी, हैव यू एवर सीन इट, चिपक जाती है ऐसे वॉल पे, क्योंकि उसके पैर और दीवार के बीच में जो स्पेस है वहां एक वैक्यूम टाइप क्रिएट कर देती है, उस वैक्यूम की वजह से वो कभी नहीं, एडहेसिव पैड्स होते हैं, तो एडहेसिव क्यों हो जाते हैं वो पैड, कुछ केमिकल्स भी रिलीज करती है, लेकिन मेन रीजन है वो वैक्यूम टाइप्स, यस थ्रू वैक्यूम। सेम वे में ये भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम का क्या है, नर्वस सिस्टम इन दीज एनिमल इज रिलेटिवली सिंपल टाइप, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे पहले वाले भी जो फाइलम में हमने पढ़ा है, नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो नर्व रिंग प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, ठीक है, एंड सेंटर रॉड, ठीक है, फाइव रेडियल नर्व्स एक्सटेंडिंग, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ कैसे जाएगी, पांच जगह पांचों तरफ उसकी नर्व जाएगी। स्ट्रक्चर एनालॉगस टू अ ब्रेन और डिराइव फ्रॉम अ फ्यूजन ऑफ गैंग्लिया आर नॉट प्रेजेंट, जैसे हमारे अंदर सो कॉल्ड ब्रेन प्रेजेंट है, ऐसा कोई ब्रेन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन कैसा है, ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, मतलब मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है। रिलीजेस देयर एग एंड स्पर्म सेल इन द वॉटर, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, कॉपुलेशन नहीं करते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल कैसे होगी, क्योंकि कॉपुलेशन नहीं हो रहा, अगर कॉपुलेशन होता तो क्या होता, स्पर्म ओवरीज को फीमेल के अंदर फर्टिलाइज करते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फीमेल जो होती है, फीमेल ओवरी वाटर में रिलीज करती है, मेल स्पर्म वाटर में रिलीज करेगा, बाहर जाके ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि वाटर में हो रही है फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे पूछूंगी, तो याद रखना, देखते हैं कौन कौन अच्छे से आंसर करेगा। हाय तन्मय, हाय आकाश, लेट हो गए बच्चे, चलो तो एक्सटर्नल है। इन सम स्पीशीज द लार्वे डिवाइड एसेक्सुअली मल्टीप्लाई बिफोर दे रीचेस सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, तो कुछ में क्या होता है, कुछ स्पीशीज में लार्वे जो होते हैं, ठीक है, लार्वे एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं, मतलब पहले ये बन गया, लार्वा बन गया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ, इससे लार्वा बना, लार्वा पहले एसेक्सुअली बहुत सारे और लार्वे में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने के बाद फिर सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है। एकाइनोडर्म्स में ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो एसेक्सुअली दोनों तरह से करेगा, और रीजनरेट भी करता है, ठीक है, अगर चोट लग जाए तो एज आई सेड 75% पार्ट्स रीजनरेट कर जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट बट नॉट दैट डेवलप, बहुत अच्छे से ऐसे ब्लड वेसल्स हार्ट ऐसे प्रॉपर नहीं होता। सिस्टम कैसा है इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ओपन टाइप मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, ब्लड जो है वो डायरेक्ट बॉडी में मूव कर रहा है, प्लस पिगमेंट्स यानी कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, प्लस हार्ट भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल फ्लूइड है जो इधर से उधर चीजों को मूव कर आ रहा है, ठीक है, और वो ब्लड वेसल्स में नहीं है। रेस्पिरेशन की बात करें तो वो भी बहुत पुअरली डेवलप्ड है, दे यूज सिंपल गिल्स एंड देयर ट्यू फीट टू टेक इन ऑक्सीजन एंड पास आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे गिल्स ये किसके लिए यूज कर रहे हैं, गिल्स ये एक्सक्रीशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है,
यूरिया या जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं इसके थ्रू निकालते हैं, प्लस और किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये CO2 और O2 एक्सचेंज के लिए भी कर रहे हैं। कुल चलो इंपॉर्टेंट मेंबर, अभी तक जो पढ़ा वो कॉमन था, तुम्हें सुन के भी समझ आ रहा था, अच्छा मैम हाँ ओपन का पता है, ये भी पता है, ठीक है, तो ये बेसिक चीजें तुम्हें सारी पता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, क्योंकि मेंबर्स के नेम के अकॉर्डिंग ही तुमसे पूछा जाता है, ठीक है, कि इस मेंबर में क्या होता है, उस मेंबर में क्या होता है, तो यही तुमसे पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट मेंबर है एस्ट्रिया, ठीक है, वर्ड से ही समझ आ रहा है स्टार, ठीक है, एस्ट्रियास, तो ये स्टार शेपिड का जो स्टार फिश है उसे बोलते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। प्लस किसी ने मुझसे पूछा था अभी कुछ दिन पहले कि मैम लर्न कैसे करना है, आपने इतना सारा पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन लर्न कैसे करेंगे, ठीक है बच्चा लोग, तो नेक्स्ट यही कॉन्सेप्ट रहेगा, मे बी वी विल प्लान ऑन दिस सैटरडे, जिसमें क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मैं तुम्हें जब हम फर्स्ट टाइम एबीसीडी पढ़ते हैं, जब बच्चा पहले एबीसीडी पढ़ता है तो उसे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है कि एबीसीडी उसको लिखना नहीं आता, उसको पेंसिल पकड़नी नहीं आती, लेकिन जब वो एक बार लिख लेता है तो वर्ड्स बनाना सीख लेता है और सेंटेंसेस के बाद तो वो मोटी मोटी बुक पढ़ता है। तो बेसिक चीज ही हमेशा मुश्किल होती है। इसके बाद जब मैं तुम्हें पूरे चार्ट के थ्रू, तुम लोग मुझे बताओगे, ठीक है, और वो सेशन बड़ा होगा काफी, पूरा चार्ट बनाएंगे, मैं तुम्हें एक चार्ट बनवाऊंगी, ठीक है, बेसिक सबने पढ़ लिया सबको पता है, ठीक है, एक चार्ट बनाएंगे, उसमें सारे यहाँ पर किंगडम्स लिखेंगे, जितने भी हम किंगडम्स पढ़ते जाएंगे सारे सारे सारे, तो मैं पहले से बता दूंगी कब वो होगा। इट्स माय रिक्वेस्ट, जब भी वो सेशन होगा तो अपने साथ 4 होमवर्क दे रही हूँ, है ना, 4 A4 साइज शीट लेके बैठना, ठीक है, 4 A4 साइज शीट लेके बैठना, क्योंकि हम साथ साथ में नोट्स बनाएंगे जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग कभी भी एग्जाम दोगे तो ये वाला टॉपिक में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे चार्ट लेके बैठेंगे और सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट मेंबर्स, एवरीथिंग वी विल राइट, ठीक है, कूल। सो कब करेंगे, कौन सा सैटरडे करेंगे, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। चलो स्टार्ट करें। सो स्टारफिश, इसका सबसे, इस मेंबर के बारे में जब भी दिमाग में आए कि काइनोडर्मेटा की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, अच्छा स्टारफिश की बात हो रही है, ठीक है, तो जितनी हमने चीजें पढ़ी स्टारफिश के पेंटागोनल और ये सब चीजें, कितना गंदा सा स्टारफिश है, बचपन में ऐसे बनाते थे ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, तो स्टारफिश, नो डाउट इट्स बॉडी लुक्स लाइक अ स्टार, कैसी दिखती है, स्टार जैसी दिखती है, इट्स अ मैरीन एनिमल, क्योंकि कहाँ रहती है, सी वॉटर में रहती है, जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटिफुल इट इज, कोई डाउट है इसमें, वेल इट हैज गॉट ऑरेंज पर्पल कलर, किस कलर की होती है, ऑरेंज पर्पल कलर की होती है, ठीक है, इट्स बॉडी कंटेन्स 5 arms है विद अ सेंट्रल डिस्क, ठीक है, सेंट्रल डिस्क किसको बोला है, ये सेंट्रल डिस्क, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल डिस्क है, इट इज डाइशियस यानी कि सेक्सेस डिफरेंट है, बाय प्लेनेरियल लार्वा, लार्वा के अलग अलग नेम होते हैं, तो इसमें कौन सा है, बाय प्लेनेरियल लार्वा है, ठीक है, ओके, एकाइनस कौन सा है, उसको सी आर्चिन बोलते हैं, ठीक है, इट हैज अ बॉडी विच रिजेंबल्स एरिस्टोटल्स लैंटेन एंड इज कवर्ड एंटायरली विद द स्पाइक्स, उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे स्पाइक्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एरिस्टोटल लैंटेन, अब हमें सर्च करना पड़ेगा, इट इज कंसीडर्ड एडिबल, ठीक है, इसे लोग खाते हैं, ठीक है, ऐसे करके दिखती है, ऐसे करके उसका शेप होता है, ऐसे ऐसे दिखता है, देखा है ना, सी अर्चिन ऐसे ऐसे करके दिखता है, अभी डायग्राम में आएगा तब और दिखाऊंगी, कूल, चलो, क्यूक्यूमेरिया, ठीक है, क्यूकम्बर जैसी दिखती है इसलिए इसे क्यूक्यूमेरिया कहते हैं, इसका नाम भी है सी क्यूकम्बर, इट रिजेंबल्स द सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ क्यूकम्बर, जैसे एक क्यूकम्बर दिखता है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है क्यूकम्बर का, ऐसे ये भी दिखता है, ठीक है, विद अ माउथ एट वन एंड एंड एनस एट द अदर, दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रीज, ठीक है, इसकी बॉडी में ऐसे रेस्पिरेशन के लिए ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, द माउथ इज सराउंडेड बाय ब्रांचेस ऑफ टेंटिकल्स, तो अगर ये माउथ है तो उसके आसपास बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, एंटीडन, ठीक है, इट इज पावर ऑफ ऑटोटॉमी, इसका क्या मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा
टोटिपोटेंसी, ऑटोटॉमी या फिर रीजनरेशन, ये सारे एक ही चीज के लिए यूज होते हैं। मतलब कोई भी पार्ट लॉस्ट होगा इनकी बॉडी से तो दोबारा ये उसे रीजनरेट कर लेंगे, जैसे लिजर्ड की टेल जैसा, ठीक है। एंड बॉडी कंप्राइजेस कप शेपेड सेंट्रल डिस्क, तो उठी हुई होती है, ठीक है। एंड फाइव सिलेंड्रिकल आर्म्स, तो ऐसे फाइव सिलेंड्रिकल आर्म्स भी होंगी लेकिन सिलेंड्रिकल होंगी। ईच आर्म इज बाइफर्केटेड बियरिंग अ रो ऑफ पिनिक्यूल्स ऑन ईच साइड, इट इज अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये हमेशा सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है। मैंने एक सेकेंड डायग्राम्स है, ठीक है, अब देख लो उसके सी डायग्राम्स। तो देखो सी कुकुम्बर दिख रहा है, अब दिख रहा है कैसा होता है। उसके बाद सी आर्चिन दिख रहा है, सी आर्चिन अटैच रहेगा और देखने से बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये लिविंग है, कब जैसे इसका पार्ट निकला हुआ है। और यहाँ बहुत सारे पिनिक्यूल्स, बहुत सारे स्टार ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये तो स्टार तुमने देखा ही है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फाइलम विच इज फाइलम मॉलस्क। कोई डाउट है आकाश या किसी और को जल्दी से पूछ लो, नहीं तो फिर आगे। Any doubt till now? चलो आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द फाइलम मॉलस्क। ये मॉलस्क जब भी दिमाग में वर्ड आए, तो जैसे इकाइनोडर्म का कौन सा वर्ड आया तुम्हारे दिमाग में, इकाइनोडर्म्स मतलब वो सारे जिनमें क्या है, जो स्टारफिश है, ठीक है, जिनकी बॉडी पे स्पिक्यूल्स, ठीक है, प्रेजेंट है, कांटे जैसे प्रेजेंट है, वो सारे इकाइनोडर्म है। मॉलस्क इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है, बॉडी में जैसे काइनोडर्मेटा हार्ड दिखते हैं, टफ दिखते हैं, मॉलस्क कैसे दिखते हैं, बहुत सॉफ्ट, ठीक है। मैं कैसे याद रखती हूँ, ठीक है, मेरी बहुत अजीब अजीब वर्ड से याद रखती हूँ, लेकिन हाँ याद रह जाता है इसलिए अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेरा क्या तरीका है याद रखने का, मैं से याद रखती हूँ, मॉलस्क मतलब मासूम से होते हैं, बहुत सॉफ्ट सी बॉडी होती है, बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर गलती से पैर पड़ गया तो वहीं की वहीं मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए इनकी बॉडी एक शेल से कवर्ड रहती है हमेशा, ठीक है। नाम बोलते ही समझ आ गया, शेल से जो कवर्ड होते हैं, कौन होते हैं जो शेल से कवर्ड होते हैं, विदाउट सर्च कौन होते हैं जो शेल से कवर्ड होते हैं, एनी आइडिया, उनकी बॉडी शेल से कवर्ड रहती है। आज मुझे मोबाइल से देखना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एनी आइडिया किसकी बॉडी शेल से कवर्ड रहती है, नहीं कोई बात नहीं हम पढ़ लेते हैं। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था, इफ यू रिमेम्बर फर्स्ट लार्जेस्ट था आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये फर्स्ट था, सेकेंड कौन है, मॉलस्क इज द सेकेंड वन। कितनी स्पीशीज है इसमें, 60,000 स्पीशीज प्रेजेंट है। जॉनस्टन प्रपोज द नेम ऑफ दिस फाइलम, तो जॉनस्टन ने सबसे पहले इस फाइलम का नेम दिया था। हैबिटेट की बात करें तो ये पूरी दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है। द स्पीशीज ऑफ दिस फाइलम आर मोस्टली एक्वेटिक, और एक्वेटिक से भी ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है, मैरीन वाटर में और कुछ फ्रेश वाटर में। सम आर टेरिस्ट्रियल ऑल्सो, ठीक है, कौन सी है, स्नेल,
है, स्नेल को देखा है ना सबने, स्नेल क्या है, स्नेल इज अ मॉलस्क। और लेट मी टेल यू, बहुत सारी कंट्रीज में डिलीशियस डेलिकेसी है मॉलस्क। मॉलस्क बहुत लोग खाते हैं, आई नो, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, बट यस, कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है यहाँ तो वो इमेजिन कर सकता है कि कैसे खाया जा सकता है। बॉडी कैसी है, बहुत सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है, सेगमेंटेड नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स नहीं है, एक्सेप्ट नियोपिलेना, ये क्वेश्चन आता है इसलिए यहाँ मैंने अलग से लिखा है, ये याद रखना। ओके, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, ठीक है, एब्सेंट इन पैलीप्लेक्टोपोडा एंड स्कैफोडा, ठीक है, तो बॉडी डिविजिबल है किसमें, हेड में, डॉर्सल, अभी दिखाती हूँ ये सब क्या है, डॉर्सल विसरल मास, ठीक है, यहाँ पे मॉलस्क में एक अलग सी कंडीशन आ जाती है। जैसे तुमने अभी क्या पढ़ा था कि स्टार वाले के 5 आर्म्स थे, सेम वे में इसमें क्या है कि इसके पार्ट्स बहुत अलग अलग हैं, बहुत डिफरेंट है, तो इसके पार्ट्स ये सारे हैं, कौन कौन से, डॉर्सल विसरल मास, वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड मेंटल, ये क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार शेप दिखा देती हूँ, तो देखो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, विसरल मास, फुट, फुट कैसे चलते हैं, ऐसे समझ लो कि कोई टायर है उसको पंचर कर देते हैं और वो टायर ऐसे 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 करके चले, विगल विगल करके चले, रबर कोई अगर चल रही हो तो कैसे चलेगी, तो रबर ऐसे ऐसे करके विगल करके चलेगी, ऐसे ही ये मूव करते हैं, इनकी अंदर की बॉडी देख लेते हैं जल्दी से, मेंटल कहाँ है देखो, ये मेंटल वाला पार्ट दिख रहा है सबको, दिस इज मेंटल वाला पार्ट, सीलोम दिख रहा है, परफेक्ट सीलोम है, एलिमेंट्री केनाल है, बॉडी लेयर है और एक परफेक्ट सीलोम है, इनके पास हार्ट भी है, गोनाड्स कितने परफेक्टली, ऑल दो उनकी बॉडी इतनी परफेक्ट नहीं है लेकिन सिस्टम बहुत अच्छे से बना हुआ है, दिख रहा है ना, स्टमक है, शेल प्रेजेंट है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, स्नेल के ऊपर होता है ना तो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए शेल प्रेजेंट है, रेड्यूला, ठीक है, ये रेड्यूला दिख रहा है, ये माउथ के लिए प्रे को कैप्चर करता है, दिख रहा है रेड्यूला एंड माउथ, इसोफेगस परफेक्ट माउथ, परफेक्ट इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, नर्व कॉर्ड्स, कैन यू सी दैट प्रॉपर, ऐसा नहीं एक छल्ले की तरह ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसकी नर्व कॉर्ड्स कितनी दिख रही है, दो, ठीक है, उसके बाद विसरल मास क्या है, बॉडी है जिसमें सारे ऑर्गन्स हैं, फुट है, गिल देखो कितना ब्यूटीफुल गिल प्रेजेंट है, हार्ट के साथ ही गिल अटैच्ड, ठीक है, बॉडी इवोल्यूशन की तरफ है, इवॉल्व हुई नहीं है प्रॉपर बट इवोल्यूशन की तरफ है, एनस देखो, ठीक है, तो ये परफेक्ट डायग्राम है हमारे मेंटल का, हमारे मॉलस्क का, जब हायर क्लास, हायर क्लासेस मींस जब कभी हायर ग्रेड्स में जाओगे, अगर इसी फील्ड में, बायो के फील्ड में ही एमएससी या बीएससी कुछ ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हें इसका डाइसेक्शन करने भी मिलेगा, ठीक है, चलो, मेंटल इज अ डॉर्सल ग्लैंडुलर फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल, इट्स थिक एंड मस्कुलर एंड एनक्लोजेस आर मेंटल कैविटी, ठीक है, तो मेंटल क्या था यहाँ पे, मेंटल डॉर्सल पोर्शन है, एक कैविटी है जो कवर्ड है, सीलोम कैसे है ये, हीमोसीलोम कैविटी, हीमोसीलोम कैविटी दिख रहा है, ये सीलोम है लेकिन इसमें कैविटी है, बहुत सारे टिश्यूज फिल्ड हैं, तो हीमोसीलोम हम किसे कहते हैं, याद आया, जिसमें वाटर और फ्लूइड्स से फिल है, वो फिल्ड है पूरी, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि इसमें 3 लेयर प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, बॉडी कैल्केरियस स्ट्रक्चर की बनी हुई है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉल्ड शेल, इन सम मॉलस इट इज इंटरनल एंड रिड्यूस्ड और मे बी एब्सेंट, ठीक है, तो ये शेल जो है वो सारे मॉलस में प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, बस बट मोस्टली में ये प्रेजेंट है, ठीक है, लोकोमोशन वेंट्रल मस्कुलर फुट, मैंने बोला ना टायर जैसा होता है उसकी वजह से, मस्कुलर फुट की वजह से चलता है, कभी स्नेल को चलते हुए देखना, ओके, आई थिंक सो हर्ष, यस, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एज आई शोड यू विद अ हार्ड काइटेनियस स्ट्रक्चर कॉल्ड रेड्यूला, डायग्राम कहाँ गया, डायग्राम पे जाते हैं, तो रेड्यूला है, रेड्यूला क्या है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, नॉट एग्जैक्टली टीथ,
दिख रहा है ना, जिसे कैप्चर करेगा फूड। टीथ जैसा दिख रहा है बट हाँ टीथ की तरह, जॉ की तरह फंक्शन करता है। तो ये अभी तक किसी में भी नहीं था बट मॉलस्क में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया, डाइजेशन हो गया। ठीक है, अच्छा एक बार, रेड्यूला इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन विद टाइनी टीथ प्रेजेंट इन द माउथ टू स्क्रैप एल्गी। ठीक है, क्या खाता है ये भी पता लग गया, एल्गी खाता है। एंड टीयर अप द फूड एंड ड्रॉ इट टूवर्ड्स माउथ। तो देखो अभी तक जितने हमने पढ़ लिए, कहाँ तक, इकाइनोडर्मा तक, कहीं तक भी हमें इतनी डेवलप्ड बॉडी नहीं मिली। मॉलस्क बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इन कंपेरिजन। ठीक है, चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स प्लेस थ्रू वन और मोर गिल, एक से ज्यादा भी गिल्स हो सकते हैं। किसी किसी में लंग्स भी प्रेजेंट है और किसी किसी में जनरल बॉडी सरफेस से भी रेस्पायर करते हैं। जनरल बॉडी सरफेस से कौन रेस्पायर करेगा, जिनमें लंग्स नहीं है और जो कहाँ रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्लीट। ठीक है, लेकिन कैसा होगा, क्लोज भी होगा कुछ में और ओपन भी होगा। ठीक है, ब्लड कैन बी कलरलेस ब्लू ग्रीन और रेड। ब्लू किस में होता है, क्रैब, सुना है ना, क्रैब में क्या होता है, क्रैब में ब्लू कलर का होता है। ठीक है, स्पेशल पिगमेंट होता है हीमोसाइनाइन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये इसका स्पेशल क्या है वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्रैब में ब्लू कलर का होता है ब्लड, कोई बताएगा क्यों होता है ब्लू कलर का? रामेश्वर, तन्मय, पीयूष, एनीवन, क्यों होता है ब्लू कलर का? जैसे हम में जो पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे इनमें हीमोसाइनिन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। एक्सक्रीशन किसकी वजह से हो रहा है, मेटानेफ्रीडिया की वजह से हो रहा है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी पेयर्ड गैंग्लिया, बहुत सारे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टर्स नर्व होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर आई, टेंटिकल, ऑस्ट्रेडियम एंड स्टेटोसिस्ट। ठीक है, सेक्सेस आर यूजली सेपरेट बट सम आर मोनोशियस, मतलब एक ही में सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्पाइला सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लाइमेक्स हर्माफ्रोडाइट एंड हेलिक्स हर्माफ्रोडाइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। स्पाइला किसको बोलते हैं, आइला नहीं पाइला। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहर होगी क्योंकि एज आई सेड मेल रिलीज करेगा ओवा, मेल रिलीज करेगा स्पर्म, फीमेल रिलीज करेगी ओवा। ठीक है, और ये बाहर जाके फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन कैसी हो गई, एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इन ससाइल ग्रुप सच एज इन ऑयस्टर इज इंटरनल, ऑयस्टर लोग खाते हैं बहुत शौक से, शेल के बीच में प्रेजेंट रहते हैं ऑयस्टर। ऑयस्टर क्यों हम यूज करते हैं वर्ड, जब ये आता है ऑयस्टर तो पर्ल किसमें बनता है, पर्ल किसमें बनता है, पर्ल की ग्रोथ किसमें होती है, ऑयस्टर में होती है। और ये जो तुमने मेंटल पढ़ा है, ये जो मेंटल पढ़ रहे हैं ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो मेंटल वाला पार्ट है ना लिखा है, इसी में पर्ल डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कोई बॉडी आ जाती है। पर्ल कैसे डेवलप होता है तो ये मैं यही बता देती हूँ, क्वेश्चन कई बार आता है। तो इस मेंटल में क्या होता है, कुछ बाहर से गंदगी आ जाती है, उस गंदगी आने की वजह से ये जो मॉलस्क है ये उसको कैसे लेता है कि कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंस आ गया है तो उस वो एक्सटर्नल सब्सटेंस कुछ हार्म ना कर दे तो ये उसके सराउंडिंग क्या करता है, कैल्शियम डिपॉजिट कर देता है। तो ये कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, एक ब्यूटीफुल पर्ल बन जाता है। और जब ये स्नेल मर जाता है तो मरने के बाद क्या होगा, इस स्नेल को कोई खा जाएगा। ठीक है, या छोटे छोटे बैक्टीरिया प्रोटोजोन सब इसको खा जाएंगे, और खाने के बाद इसको तो खा जाएंगे, उसकी पूरी बॉडी खत्म हो जाएगी और जो शेल के अंदर है वो सिर्फ क्या बचेगा, मोती। ठीक है, पर्ल, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू लर्न। ठीक है, उसके बाद ये हो गया लास्ट, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब आई होप अब तक याद हो गया है। डायरेक्ट क्या होगा, अगर पेरेंट्स से बेबी, ठीक है, डायरेक्ट डेवलप हो रहा है, उसके बीच में कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है तो उसे डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर उसके बीच में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं तो उसे
इनडायरेक्ट कहते हैं. लार्वा इज ट्रोकोफोर. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस लेवल पे, लेकिन फिर भी याद रख सकते हो कि कौन से लार्वा, क्योंकि हर किसी में लार्वा अलग अलग होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में, तो यहाँ पे कौन से हैं, ट्रोकोफोर लार्वा. ठीक है, अब कुछ ग्लोकिडियम, ये मैं जब स्टेजेस पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी. ठीक है, अभी बताऊंगी तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा. अभी कुछ कॉमन नेमिंग है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जूलॉजिकल नेम जो यूज करते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं. ठीक है, तो पाइला, ठीक है, एप्पल स्नेल, ओके. नेक्स्ट हेलिक्स, गार्डन स्नेल. लेमेक्स, स्लग, ऐसे गंदा सा दिखता है, बहुत स्लग जैसा. ठीक है, टर्बुनेलिया, शंख, शंख जैसा दिखता है, नाम भी वैसे ही है. यूनियो, फ्रेश वाटर म्यूसिल, देखने में ऑलमोस्ट सब एक जैसे लगेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट सी बॉडी. डेंडेलियम, एलिफेंट्स टस्क शेल. मेटाइलस, इसी का मेटाइलस का ही डाइसेक्शन करते हैं. टेरिडो, शिप वॉर्म. पिंकाडा, पर्ल ऑयस्टर. तो ये क्वेश्चन आता है कि पर्ल किस में से बनता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखना. पिनकेटाटा वल्गैरिस, पर्ल ऑयस्टर. सीपिया, जो नॉर्मली तुम्हें दिखता है, खाते हैं इसे भी, कटल फिश. ऑक्टोपस तुम्हें पता ही है, ठीक है, ऑक्टोपस क्या है, इट्स अ मॉलस. लॉलीगो, इट्स अ स्क्विड. ठीक है, फिश जैसी दिखती है बट इट्स अ मॉलस. इसके कुछ डायग्राम्स आई हैव शेयर्ड, मैं शेयर करना रह गया है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इनके, इसका डायग्राम. इसकी पिक्चर्स डाली तो थी बट शायद मैं डाल नहीं पाई हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें दिखाऊंगी कैसे दिखते हैं. ठीक है, चल अभी कोई डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. ठीक है, अदरवाइज लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट क्लास में. हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. ओके, एनी डाउट, आयुषी आर यू हियर, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज लेट्स स्टॉप इट. ओके, ठीक है, तो सैटरडे को लेट मी इन्फॉर्म यू, कल कोई क्लास नहीं है. ठीक है, ये सबको पता है. सैटरडे को भाई अभी से ही मैं पूरा इन्फॉर्म कर रही हूँ सारे बच्चे जो आगे बाद में क्लास देखने वाले हैं. आई नो तुम सबका स्कूल होता है, टायर्ड हो जाते हो, क्लास नहीं कर पाते हो पांच वाली, आई नो इट वेरी वेल. बट सैटरडे को तुम फ्री रहते हो, इसलिए जो मैंने पोल रखा है, ठीक है, किस पे रखा है ध्यान से सुन लो, NTSC का लाइफ प्रोसेसेस का पोल है. ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस का पोल है, कंप्लीट पोल होगा लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर. ठीक है, टाइमिंग सुन लो क्या होगी, तो टाइमिंग तुम्हारी रहने वाली है 9 to 10. दो पोल होंगे, एक होगी 9, एक होगा 9 to 10, एक होगा 1 to 2. ये दो पोल हैं जिसमें दो पार्ट्स में लाइफ प्रोसेसेस का सारा पोल हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये क्लास मिस मत करना अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर स्पेशली फॉर NTSC, क्योंकि बहुत बड़ा पोल होगा, बहुत डिटेल्ड पोल होगा और पेपर वन के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. प्लस जो एक और चीज है, पेपर टू का लेवल थोड़ा सा हाई होता है. अगर तुमने देखा होगा पेपर वन का थोड़ा सा लो होता है, पेपर टू का हाई होता है. तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पूरा तुम, फिर ये डाउट आता है, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि मैम आप थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहे हो, मैम इतना तो 9th में नहीं है, हमें तो सिर्फ 9th तक का पढ़ना है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है. तो बच्चा लोग, हमें फर्स्ट एग्जाम अगर हमारा क्लियर हो गया और अगर हम सेकेंड एग्जाम तक जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि अब जो फर्स्ट में पढ़ा है उसे एडवांस में पढ़े. तो अच्छा यही है कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें. क्लियर, तो ये क्लासेस याद रखना, यहाँ पे पूरा सिलेबस का पोल करेंगे. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट वेंसडे, नॉट नेक्स्ट वेंसडे, ये सारे लिंक आपको गिवन है अलग अलग बैचेस के, जैसे जुनून, एस्पायर, इन सब के ये लिंक है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो प्लीज टेक द लिंक फ्रॉम दिस पेज. अच्छा, अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना है, तो अनअकैडमी में आप घर बैठ के पढ़ते हो, टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो, ये सारी चीजें होती हैं. एस्पायर बैच स्टार्ट हो गया है, मंडे टू सैटरडे 24 आवर्स का ये बैच है.
ठीक है, देन इट स्टार्ट हो गया जून 16 से, इसमें फाउंडेशन ओलंपियाड सब कुछ पढ़ते हो, टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो, पूरा सिलेबस कवर होगा फॉर एनटीएससी एंड फाउंडेशन, 2 मंथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स फॉर ग्रेड 11, 1 मंथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड कॉम्पैक्ट रिवीजन सीरीज, निर्माण स्टार्ट हो गया, स्कॉलर स्टार्ट हो गया है, जुनून गोल ये सब कुछ स्टार्ट हो गया, जिसमें भी आप जाना चाहते हो कैन गो। फिजिक्स का बेसिक टेस्ट स्टार्ट हो गया 19 जून से, वो जरूर दो जिस अगर तुम अपनी फिजिक्स स्ट्रांग करना चाहते हो। फाउंडेशन टेस्ट सीरीज फॉर 9th एंड 10th, जिसमें आप आईआईटी और नीट के लिए प्रिपेयर करोगे, टेस्ट स्टार्ट हो गया है, हर संडे होता है। अनअकैडमी ज्वाइन करने का एडवांटेज सिर्फ एनटीएससी के लिए नहीं, सबके लिए, कि आप घर बैठे क्लासेस करते हो, टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो, अपॉर्चुनिटी है कि आप सारा सिलेबस करो टॉप एजुकेटर्स की हेल्प से, बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, डिफरेंट पेडागॉजीज के थ्रू टीचर्स तुम्हें पढ़ाते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, मास्टर क्लासेस होते हैं, अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ होता है, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस। ठीक है, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 12 मंथ्स का प्राइस है 15,750, ये इसका प्राइस है। ठीक है, इस प्राइस में तुम्हें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज माय कोड SPZAG10। तो ये कोड यूज कर लो जल्दी से, नहीं तो एक बहुत अच्छा कॉम्बो ऑफर है, क्योंकि आप सब लोगों को 10th के बाद IIT या नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना है कि आपको बेस्ट टीचर्स की जरूरत है जो अनअकैडमी पर आपको इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, अभी कॉम्बो प्राइजेस से क्या फायदा होगा, 9th, 10th, 11th, 12th सब कुछ कवर हो जाएगी, एट द सेम टाइम नीट और IIT की भी तैयारी हो जाएगी। 56,000 में घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा विद SPZAG10, और अगर ये अमाउंट एक साथ नहीं पे करना चाहते तो EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात EMI की कोई भी कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो मल्टीपल गोल के लिए एक साथ सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो यस, लेट्स क्रैक इट टुगेदर, ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा लोग तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जब मेरी स्पेशल क्लासेस में आओगे। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस में आने से पहले SPZAG10 का कोड जरूर यूज करना। ठीक है बच्चा लोग, सो कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, साजिद पोल होगा इस सेशन पे मेंटी में। ठीक है गाइज, सो गाइज लेट्स क्रैक इट टुगेदर, लेट्स मीट अगेन फॉर दी फाइनल क्लास विच विल बी हेमी कॉर्डिनेटर। टिल देन बाय बाय।